मोटे रूप में जो कमी आई है वो वन क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है, क्यों सर्वे के अंदर बाहर का क्षेत्र भी उसमें शामिल आता है। जो आप भू सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो शामिल होने की वजह से ये स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 की आई है वो 15 वर्ष की है। 2006 में जो हमारा एरिया था जिस पर ये फॉरेस्ट था, वो एरिया था आपका 4.86% टोटल जो आपका एरिया था। 15 साल के बाद आपके इतने सब प्रयत्न करने के बाद केवल 0.9% फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है और उस पर आपके 1200 से अधिक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1% भी नहीं, 0.9% ही एरिया बढ़ा है। तो ये आपके विभाग की तस्वीर को जनता के बीच में रख रहा है। कृपा करके इस ऑथेंटिक कागज को देखने के बाद डिपार्टमेंट से पूछताछ तो करो कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये आप 0.9 की कह रहे हो, वो मैंने कहा वन क्षेत्र से बाहर है। फॉरेस्ट लैंड जो रिकॉर्डेड हमारा फॉरेस्ट है उससे बाहर है, वो मैं शामिल तो करने से केवल 0.9 आ रहा है। मैं हमारा जो नहीं कर रहा हूं, इस रिपोर्ट के आधार पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। मैंने आपको आप दूसरे ढंग से लेके आए, मैं डिटेल डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन में, इतना डिटेल नहीं हो पाएगा। आप दूसरे ढंग से लेके आएंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती साफिया जुबैर, प्रश्न संख्या 5। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 ग्राम ढाडोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में सरकार के नाम दर्ज चरागाह भूमि खसरा नंबर 327 रकबा 8.28 हेक्टर में से रकबा 6.44 हेक्टर, खसरा नंबर 328 रकबा नंबर 1.28 हेक्टर, पूर्ण किता 2 रकबा 7.72 हेक्टर का नामांतरण संख्या 380 दिनांक 30/6/2020 से भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत शाकिंदे खातेदार व खसरा नंबर 310 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नंबर 312 0.05 हेक्टर, खसरा नंबर 313 रकबा 1.40 हेक्टर, खसरा नंबर 314 रकबा 2.82 हेक्टर, किताब 5 रकबा 4.72 हेक्टर का नामांतरण संख्या 381 दिनांक 1/7/20 से नादान सिंह, जगदीश सिंह पिता हरी सिंह, संजू सिंह, सतीश सिंह पिता शैतान सिंह, रघुवीर सिंह, रतन सिंह पिता भंवर सिंह, देवेंद्र सिंह, गजराज सिंह पिता विजय सिंह, जाति राजपूत शाकिंदे खातेदार के नाम नामांतरण खोले गए। उक्त ग्राम डाडोली में UIT अलवर की भूमि का व्यक्तिगत नाम से नामांतरण नहीं खोला गया। खंड 2, जी हाँ, ग्राम डाडोली में नामांतरण संख्या 380 व 381 को खोले जाने वाले संबंधित पटवारी श्री नारायण लाल चौधरी एवं नामांतरण जांच करने वाले संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक श्री ओमकार सिंह सैनी के विरुद्ध CCS 17 नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं उक्त नामांतरणों को स्वीकृत करने वाले संबंधित नायब तहसीलदार श्री घमंडी राम मीणा को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 15/7/22 निलंबित कर दिया गया तथा CCA नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूंगी ये जमीन कब आवंटन हुई और इन खसरे नंबरों का इंतकाल किसी समिति द्वारा आवंटन करने पर या किसी न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर किया गया, यह स्पष्ट करें। अगर किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय पर खोला गया है तो किस किस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये जमीन आवंटन नहीं हुई, ये जमीन उपखंड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय 20/7/2018 को कोर्ट का फैसला हुआ, उसके आधार पर 30/6/20 को ये नामांतरण खोला गया। ये उपखंड अधिकारी के कोर्ट से हुआ। और जब ये संज्ञान में आया तो हमने या T रविकांत जी जो सीनियर अधिकारी है उनकी कमेटी बनाई और उन्होंने जो रिकमेंड की उसके आधार पर हमने सस्पेंड भी किए और कोर्ट का आदेश था, इसमें हमने आगे की कोर्ट में अपील भी की। और ये 20/7/18 को कोर्ट का आदेश हुआ, आवंटन नहीं हुआ, कोर्ट का फैसला था। क्या स्थानीय ग्राम पंचायत को भी इसमें पार्टी बनाया गया था? यदि हाँ, तो तत्कालीन ग्राम पंचायत ने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की? और सरकार द्वारा इसमें एक सीनियर IAS के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, तो उस जांच में अभी तक क्या क्या रिपोर्टें सरकार को पेश करी गई हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच कमेटी गठित की उन्होंने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना दूँ, बाकी उसके जो कमेटी के जो रिकमेंडेशन आई उसको समस्त कलेक्टर को भी दिया और स्पेशल जिला कलेक्टर अलवर को भी किया और उसमें अपील की गई। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के विवेक पर क्वेश्चन नहीं लगाया, हालांकि उन्होंने उसमें गलती मानी, संबंधित अधिकारी की गलती भी मानी, लेकिन जो कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट का कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो उसकी हमारे अधिकारियों को ये पहले भी निर्णय दे रखा है, हमने दोबारा रिमाइंडर दिया, उसको अपील में जाना चाहिए। उन्होंने बिना अपील गए और ग्राम पंचायत में नहीं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन होता है सीधा तहसीलदार के पास जाता है, तो वो ग्राम पंचायत में नहीं जाता। इसी के आधार पे उन्होंने जल्दबाजी करके खोला, तो हमें जैसे ही ध्यान में, संज्ञान में आया, हमने कमेटी गठित की। कमेटी का निर्णय जो था हमने ऑनलाइन तहसीलें भी कर दी, ये भी एक रिकमेंड था, जिसमें 392 में 380 हमारी तहसीलें ऑनलाइन होगी और संबंधित सभी कलेक्टरों को इसके लिए हमने निर्देशित भी किया, रेवेन्यू बोर्ड को भी निर्देशित किया और सबकी चीटियाँ हैं लगा रखी हमने। चाहे तो आप, मैं आपका आदेश हो तो कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो बाकी। मान सर, आप क्या चाहते हैं? डिटेल नहीं, आप व्हाट डू यू वांट? अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूँ कि ये चारागाह जमीन अलॉट हो जाती है तो बेचारी हमारी गाय कहाँ चरने जाएंगी? ये इस पूरे राजस्थान का मसला है। ये इस पूरे राजस्थान का मसला है। ये इस पूरे राजस्थान का मसला है। कर दिया, फिर भी चरागाह थी, तो गवर्नमेंट की कोई भी लैंड का फैसला अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, एनी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को अपील में जाना चाहिए, नो अपील लेनी चाहिए। इन्होंने नहीं किया तो ये गलती की। ये पूरे राजस्थान का मसला है। दोनों नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई भी अपील कर दी और इसकी पूरा जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी निर्णय करने का अपील कर दी, उसको निर्णय को रिजेक्ट करने की भी कर दिया। फिर भी चरागाह थी, तो गवर्नमेंट की कोई भी लैंड का फैसला अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, एनी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को अपील में जाना चाहिए, नो अपील लेनी चाहिए। इन्होंने नहीं किया तो ये पूरे राजस्थान का मसला है। दोनों नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई भी अपील कर दी और इसके पूरा जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी निर्णय करने का अपील कर दी, उसको निर्णय को रिजेक्ट करने की कर दिया। फिर भी चरागाह थी, तो गवर्नमेंट की कोई भी लैंड का फैसला अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, एनी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को अपील में जाना चाहिए, नो अपील लेनी चाहिए। इन्होंने नहीं किया तो दोनों नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई भी अपील कर दी और इसके पूरा जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी निर्णय करने का अपील कर दी, उसको निर्णय को रिजेक्ट करने की कर दिया। फिर भी चरागाह थी, तो गवर्नमेंट की कोई भी लैंड का फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, एनी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को अपील में जाना चाहिए, नो अपील लेनी चाहिए। इन्होंने नहीं किया तो दोनों नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई भी अपील कर दी। प्रश्न संख्या 7। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र फलोदी में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक आगजनी की कुल 82 घटनाएं हुई। 690 पीड़ित परिवारों को आर्थिक हानि होने पर कुल सहायता राशि 6,64,000 रुपये का भुगतान किया गया। इसका नामावर विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, उक्त विधानसभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में 13 प्रकरण लंबित है। नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/10/22 को जारी नॉर्म्स के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। लंबित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। आगजन की घटना घटित होने पर नजदीकी के फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहन भिजवाया जाता है। वर्तमान में बाप उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुल 82 ऐसी आगजनी की घटना थी, उसमें से 13 बकाया है और 69 में इन्होंने पेमेंट कर दिया, परंतु आप इनके नुकसान का जायजा और उसके बाद में मुआवजा की राशि ये देखेंगे तो पाएंगे कि नुकसान का आकलन हुआ है 89,05,150 और मुआवजा राशि 6,64,000, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा राशि मिली है। आपने कहा कि राशि बढ़ा दी गई है, परंतु राशि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए तो कम से कम वो परिवार वापस सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके और अपने जीवन यापन कर सके। अगर मान लो कम है तो राज्य की तरफ से भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल, उपखंड कार्यालय बाप जो 35 किलोमीटर फलोदी से दूर पड़ता है और फलोदी के चारों तरफ एक ही अग्निशमन सेवा है। वो लोहावट में भी वो जाती है, आऊ में भी वो जाती है, देचू में भी वो जाती है, परंतु बाप क्षेत्र इतना दूर 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 तक फैला हुआ है, यानी कि मोड़िया नोखड़ा जो 100 किलोमीटर दूर है बाप से और आपके रोहिणा मुंगड़ी वो 100 किलोमीटर दूर है। आपके रोड़ा बदला वो 100 किलोमीटर दूर है और नोक जो आता है वो जैसलमेर का वो भी यहाँ पर आता है और यहाँ से अग्निशमन सेवा ले जाता है, यानी कि इतनी दूर तक वो फलोदी वाली सेवा प्रश्न पूछे तब तक तो प्रश्न पूछा हो जाएगा। तो मैं मेरा ही आपसे निवेदन है कि आप बाप को एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवा दें, ये मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो राशि जो दी जाती है आदान अनुदान की एसडीआर और एनडीआरएफ नियमों के अनुसार दी जाती है। जहाँ तक अग्निशमन की बात है, हमने 1920 में 200 अग्निशमन की घोषणा की थी। हमारे विभाग की तरफ से ये राशि सारी स्वायत्त विभाग को दे दी गई है, जिसमें 126 अग्निशमन खरीद लिए गए हैं और 74 अभी और खरीदने हैं। जहाँ तक भाप की बात है, इसका सिस्टम ये होता है कि वहाँ का ड्राइवर और तेल का रख रखाव जो संस्था देती है वहाँ अग्निशमन की घोषणा की जाती है। अगर भाप में ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की ये सुविधा देंगे तो आने वाले समय में वो भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति अथवा से ये आपको लिखवा के दे दूंगा। हो गई बात, आपने कोई कर देंगे। अगला प्रश्न आप करेंगे तो हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे उसमें। अमृतलाल मीणा, अच्छा एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है कि 10-10, 22 को कुछ नॉन्स बदले हैं और उस बदले हुए नॉन्स के अनुसार कुछ राशि बढ़ाई है। ये जो पेमेंट आपने किया है ना, लगभग 90 लाख का नुकसान हुआ और 6 लाख का पेमेंट हुआ, तो लगभग 15% है, मतलब 15वां हिस्सा है। तो क्या ये पेमेंट 10-10-22 का बढ़ा हुआ पेमेंट किया गया है या पुराने पेमेंट पे किया है? अध्यक्ष महोदय, जो भी आगजनी की घटना 10-10-22 के बाद हुई है वो तो नए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा और उससे जो पहले की आगजनी हुई है वो पहले के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अगला प्रश्न अमृतलाल मीणा, प्रश्न संख्या 8। अध्यक्ष महोदय, खंडे जी हाँ, प्रदेश में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान ऑब्लिक खेतिहर मजदूर अंगभंग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018 माह जनवरी 2018 से माह नवंबर 2018 तक कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर अनाज के 56 एवं कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर फल सब्जी के 3 सहित कुल 59 किसानों को रुपये 114.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 2 विधानसभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसंबंध व झल्लारा तहसीलों में वर्ष 2018 माह जनवरी 2018 से माह नवंबर 2018 तक कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर अनाज में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त आवेदनों में से 21 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं 6 प्रकरण निरस्त किए गए। उक्त अवधि का कोई आवेदन वर्तमान में लंबित नहीं है। तहसील सलम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा क्षेत्र के राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर फल सब्जी में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वह विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। 3 योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार हेतु राज्य के मंडी प्रांगणों में योजना के होर्डिंग लगाए जाते हैं। कृषि विभाग के मेले, प्रदर्शनियों, अभियानों में योजना के पंपलेट वितरित किए जाते हैं। मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रमों तथा इनाम बैठकों में योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। योजना का सरलीकरण करने, योजना को किसानों की पहुंच में करने तथा योजना के व्यापक व पारदर्शी बनाने हेतु राज्य किसान पोर्टल पर योजना की संपूर्ण प्रक्रिया, आवेदन से सहायता राशि के भुगतान तक को ऑनलाइन कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, क्या सरकार फसल की पिलाई के दौरान किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? यह प्रश्न गायल का पूछा, आप दूसरे पे आगे। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न क्या है? श्रीमती चंद्रकांता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पाटन से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 निदेशक प्रशिक्षण एवं निदेशक आरसीवीटी के पद 1/9/2020 एवं दिनांक 28/9/2020 से रिक्त हैं। जी हाँ, विभाग द्वारा इन पदों को विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का विचार रखता है। इस हेतु निदेशक प्रशिक्षण एवं निदेशक आरसीवीटी के पद वर्ष 2020-2021 की डीपीसी के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग पत्र के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाए जा चुके हैं। पत्र दिनांक 17 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को पुनः भेजा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन करना चाहूंगी कि निर्देशक प्रशिक्षण एवं निर्देशक आरवीईटी के पदों पर कार्यरत रहे अधिकारियों के कार्यकाल सहित सूची प्रस्तुत करें, क्योंकि जवाब जो मुझे मिला है ये सभी को पता है कि 2009 से ये पद रिक्त चल रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या राजस्व लोक सेवा आयोग को पदोन्नति कार्मिक विभाग के परिपत्र कार्मिक का 2 विभाग के पत्रांक 4.72 कार्मिक ओब्लिक का 2/19 जयपुर दिनांक 24/2/20 के अनुसार प्रपत्र में तैयार करवाने के उपरांत प्रेषित किए हैं? यदि हाँ तो प्रति प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि सब अलग प्रस्तुत करेंगे, जवाब लेना है, प्रस्तुत लेना आपको जो आंसर आपने दिया उसी में से बनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डीपीसी को लेकर प्रश्न है। 2020 के बाद में 29/6/2021 में डीपीसी हुई। उस समय में कोई भी निदेशक नहीं बन सके क्योंकि किसी की सीनियरिटी नहीं थी। उसके बाद में 8 अप्रैल 2022 को डीपीसी के लिए आरपीएससी को वापस लिखा गया और 28/9/2022 का आरपीएससी से आदेश हुआ। 27 को जो हमारे निदेशक बनने के लिए अधिकारी थे उन्होंने अपने प्रमोशन को लेकर कुछ आपत्तियां जताई। उस वजह से उस एक पोस्ट को छोड़कर बाकी 5 पोस्टों के ऊपर उपनिदेशक और सहायक निदेशक की डीपीसी हो गई और उनकी खुद की आपत्ति के ऊपर फिर से विभागीय जांच हुई। विभागीय जांच का प्रस्ताव वापस आकर 17